अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज़ सोशल प्रॉब्लम। इस सोशल प्रॉब्लम के टॉपिक में हम डिफरेंट सब टॉपिक्स देखेंगे जो कि पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम कंसीडर किए जाते हैं। तो जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं वो मोस्टली जो है डिफरेंट पाकिस्तान अफेयर्स में, और इसके अलावा सोशियोलॉजी में, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के पेपर में भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इस हवाले से जो है ये टॉपिक जो है हम इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सोशल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और डिफरेंट थेरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पहले हम देखते हैं कि वो जो हैं डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोशल प्रॉब्लम को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वीवर। वीवर क्या कहता है, ही सेड एनी बिहेवियर इन अ डायनेमिक सोसाइटी दैट इज़ बिलीव टू बी अ थ्रेट और एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द सोशल वैल्यूज एंड कंसिडर्ड कैपेबल ऑफ एलिमिनेशन बाय अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस। ये कहता है कि कोई एक बिहेवियर एक डायनेमिक सोसाइटी में जो कि एक थ्रेट के तौर पर लिया जाए या एक इन्फ्रिंजमेंट हो अपॉन द सोशल वैल्यूज, उस सोसाइटी की सोशल वैल्यूज़ पे वो एक थ्रेट हो या वो एक इन्फ्रिंजमेंट हो, और वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी हो कि उसको एलिमिनेट कर दिया किया जा सकता हो, तो उसको हम कंसिडर करते हैं सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंक एलके। ये क्या कहते हैं, एनी मिसबिहेवियर और डिफ़िकल्टी बाय अ फैमिली और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट वी विश टू करेक्ट। ये जो है वो कहते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड, मतलब कि अगर कोई एक फैमिली या एक पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी में अगर कोई एक मिसबिहेवियर अडॉप्ट कर रहा होगा तो उसको हम सोशल प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि कुछ फैमिलीज़ या ग्रुप ऑफ पीपल अगर कोई मिसबिहेवियर कंडक्ट करेगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे सोशल प्रॉब्लम। और वो सोशल प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि जो पीपल एट लार्ज होते हैं वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी फ्रैंक एलके की डेफिनेशन। सो इसी के साथ ही सोशल प्रॉब्लम्स की हमने इन जनरल देख लिया है कि व्हाट इज़ सोशल प्रॉब्लम, और हम देखते हैं अब इन स्पेसिफिक व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम है दैट इज़ पॉपुलेशन। मैं इस हवाले से आपको बता दी जाऊँ कि पॉपुलेशन के हवाले से 2023 के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में और इसके अलावा करंट अफेयर्स के पेपर में भी पॉपुलेशन के हवाले से सवाल आ चुका है। तो इस वजह से जो है ये जो टॉपिक है इट्स मल्टी डायमेंशनल, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी कवर कर रहा है। तो इस हवाले से हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन और इसको हम सोशल प्रॉब्लम किस तरह से कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो एक स्पेसिफिक टर्म पॉपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है, पॉपुलेशन इज़ अ जेनेरिक टर्म, जो साइंटिफिक टर्म पॉपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है दैट इज़ डेमोग्राफी। और मैकियोनिस का कहना है डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो डेमोग्राफी है इज़ अ सोशल कज़न, और ये जो डेमोग्राफी है इट नॉट ओनली डील्स विद द नंबर बट ऑल्सो विद द प्रिवेंटिव एक्शन एंड कंसिक्वेंसेज। मतलब कि क्या जो पॉपुलेशन इन जनरल हम देखते हैं वो होती है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर इन यू नो कन्फाइंड टेरिटरी कितने लोग पाए जाते हैं, लेकिन जो डेमोग्राफी है इसमें डेमोग्राफी का जो एक पर्टिकुलर यू नो एरिया है उसमें हम ये भी देखते हैं कि इस पॉपुलेशन के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इसने लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के उस पर्टिकुलर टेरिटरी की इकोनॉमी पे, उसकी सोसाइटी पे, उसके कल्चर पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिफरेंट थेरीज है पॉपुलेशन के हवाले से, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिशन थेरी। ट्रांजिशन थेरी क्या कहती है, डिक्रीज़ इन द डेथ रेट। जो पॉपुलेशन की साइकिल है वो स्टार्ट होती है डिक्रीज़ इन द डेथ रेट, पहले डेथ रेट डिक्रीज़ होते हैं, फिर उसके बाद रैपिड इंक्रीज़ इन बर्थ रेट आता है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन इन बर्थ रेट आता है। ठीक है, इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। उसके बाद है हमारे पास मैंथ्यूजियन थेरी है, एक ये देख लेते हैं हम ये क्या है। पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन सब्सिडेंस अवेलेबल। वो कहते हैं कि मैंथ्यूजियन कहता है कि जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर एरिया में सब्सिडेंस जो अवेलेबल हो। उसके अलावा वो कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा फूड होगा वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी, और जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जो पॉपुलेशन है वो 2x होगी इन कंपैरिजन टू द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड। अगर फूड हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं अगर हमारे पास 2 kg फूड है, तो हम आपको उसको जो है हमारे पास 2 kg फूड के हिसाब से हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 into 2 kgs हमारे पास पॉपुलेशन पाई जाएगी। तो मतलब कि हमारे पास उसका 2 kgs फूड का 2x पॉपुलेशन पाई जाएगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है विद अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो इसको मैंथ्यूजन कहते हैं मैंथ्यूजन कैटास्ट्रोफ।
ठीक है, उसके हवाले से इन्होंने कहा है कि जो चेक्स हैं वो हम दो तरह से डेवलप कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वन इज़ प्रिवेंटिव चेक एंड द अदर इज़ पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक क्या है? डिक्रीज इन बर्थ रेट बाय डिफरेंट मींस, जिस तरह के हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा इंसेंटिवस लगा सकते हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगा सकते हैं, तो इस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन लेके हम बर्थ डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन क्या है? इंक्रीज डेथ रेट बाय नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब डेथ रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उससे पॉपुलेशन कम होगी। जो तीसरी थ्योरी है हमारे पास, दैट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसमें वो कहते हैं कि पॉपुलेशन रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जितना एक एरिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा उसमें उतने ही पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और कहते हैं पॉपुलेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी एक इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना ही उस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी क्रिएट करेंगे और उस प्रोजेनी को फैसिलिटेट कर सकेंगे अपने रिसोर्सेज के ज़रिए से। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन डिफरेंट स्टेप्स को जो है हम इस तरह से ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज वन में क्या होता है। क्योंकि सैनिटेशन जो है वो हमारे पास कम होती है और अवेयरनेस भी कम होती है, बर्थ्स के हवाले से भी अवेयरनेस कम होती है, तो उसकी वजह से डेथ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, इकोनॉमी हमारी डिवेलप करती है, तो उससे क्या होता है, सैनिटेशन वैल्यूज़ हमारी बढ़ जाती हैं, हमें सैनिटेशन की अवेयरनेस पता लगती है, तो उससे डेथ रेट डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जो पर्टिकुलर अवेयरनेस है अबाउट द बर्थ वो हमारे पास नहीं डिवेलप हो पाती, तो उसकी वजह से बर्थ रेट कंटिन्यू रहता है उसी रेट पर। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास अवेयरनेस अबाउट द बर्थ कंटिन्यू करती है इन अ सोसाइटी, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जब होती है तो उससे क्या होती है, बर्थ रेट बढ़ जाती है। पर जो डेथ रेट है वो पहले से ही कम था, जब हमने देखा था कि सैनिटेशन इंक्रीज़ हुई थी तो डेथ रेट कम हुआ था, वो उसी पेस पर रहता है। और फिर इस तरह से क्या होता है, पॉपुलेशन रेट भी एक कॉन्स्टेंट टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाती है और एक डेथ रेट भी कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सपेंशन। जो दुनिया में पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्सपेंडिंग एट द रेट ऑफ 2.6%। जो वेस्टर्न एरिया है उसमें जो है 1% के हिसाब से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट वर्ल्ड सिनेरियोज और डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, इसके अलावा जो है हमारे पास दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस भी इनसिक्योर हैं इस वक्त दुनिया की, तो उसकी वजह से भी लोग इनसिक्योर हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर प्रोजेनी, वो देखना मतलब कि वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि अगर दुनिया एक इनसिक्योर प्लेस होगी तो उनकी प्रोजेनी किस तरह से डिवेलप करेगी, तो इस वजह से वो जो है फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास तीन है, एक है फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद है मोर्टेलिटी रेट, दैट इज़ डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। उसके बाद है माइग्रेशन रेट, दैट इज़ इन एंड आउट जो कि पीपल मूव करते हैं इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी पर 1000 पीपल। ठीक है, ये पाकिस्तान का डाटा लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में है 21.9 पर 1000 पीपल, मोर्टेलिटी रेट है 6.3 पर 1000 पीपल, माइग्रेशन रेट है 1.3 पर 1000 पीपल। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट इज़ मच हायर देन दैट ऑफ मोर्टेलिटी रेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान को हम कंसिडर करते हैं 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द यूथ बल्ज। ये जो पर्टिकुलर यूथ बल्ज है, इसी के हवाले से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था कि यूथ बल्ज को किस तरह से हम रिसोर्सफुली यूज़ करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। इन स्पेसिफिक यही क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आया हुआ था 2023 के पेपर में। सो देखते हैं हम के वट इज़ यूथ बल्ज। अ पॉपुलेशन इन विच पॉपुलेशन ऑफ यूथ इज़ पॉपुलरली लार्ज इज़ कॉल्ड एज यूथ बल्ज। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें क्या हो, कंसनट्रेशन यूथ की हो, वो बहुत ज़्यादा, उसको हम यूथ बल्ज कंसीडर करते हैं। यूथ बल्ज जो है बाय 89% हो जाएगी बाय 2025 इन पाकिस्तान। जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, या हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ में जो है यूथ बल्ज पाया जाता है। उसके अलावा जो यूथ बल्ज है, इसको हम ब्रिजिंग जनरेशन कहते हैं, अ ब्लेसिंग एंड अ डिस्गाइज। एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है, क्योंकि
क्या होता है कि ये एक ट्रांजिशन पॉपुलेशन होती है, जिस तरह जितनी ज़्यादा हमारे पास यूथ बल्ज होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी इकोनॉमी को एट अ हायर पेस हम डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे अपनी यूथ बल्ज को, वो वैसे वैसे डिवेलप करेगी और डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी डिवेलप करेगी। लेकिन एक डिस्काइज किस तरह से हो सकती है, जब जब हमारी यूथ बल्ज अनएम्प्लॉयड रहे, उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, तो उसकी वजह से वो क्राइम की तरफ चले जाएँ या जो कि मीन्स इकोनॉमी इस तरफ के मीन्स की तरफ चली जाए, जैसे कि स्मगलिंग की तरफ, जो कि इकोनॉमी को इन अ नेगेटिव मैनर इफेक्ट करे। तो इस तरह से हमारी यूथ बल्ज जो है वो डिस्काइज भी बन सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीमिज्म भी यूथ बल्ज की वजह से ही क्रिएट होता है। जब यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, जब वो अनएम्प्लॉयड रहती है, उनकी रिसोर्सेज पूरे नहीं हो पाते, तो वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और वो डिफरेंट जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो है टेररिज्म और इस तरह के डिफरेंट इंसर्जेंसीज भी इन पर्टिकुलर टेरिटरी बढ़ती हैं, जो कि सिचुएशंस हम देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान में देखी जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ट्रांजिशन पॉपुलेशन होती है यूथ बल्ज के, ये एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को फ्रॉम डिवेलपिंग टू डिवेलप्ड कर सकती है, अगर इनको प्रॉपर रिसोर्सेज मुहैया की जाएँ। और नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। जो यूथ बल्ज है ऑब्वियसली डिफरेंट, अगर हम पाकिस्तान को कंसीडर करें तो जिस तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है, इसी तरह पाकिस्तान के यूथ बल्ज भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान की जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी जो है डिमांड्स को देखते हुए हमें यूथ बल्ज को डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, सो दैट कि पाकिस्तान में नेशनल हारमोनी भी रहे और उसके साथ साथ जब इकोनॉमी डिवेलप करे जो तो क्या है नेशनल नैरेटिव हमारा, उसके साथ ही इकोनॉमी के साथ ही नेशनल नैरेटिव भी बूस्ट करे, ठीक है। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देख सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन प्रीवेल करनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, उसके बाद है इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड इंसेंटिव्स हम लगा सकते हैं, उसके अलावा लीडरशिप क्रिएट ऐसी होनी चाहिए जो कि जो यूथ है या जो हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल के डिफरेंट मीन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके। सो जो नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम है। इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू लेबर सर्वे 2021-2022 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान इज 6.3। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मुशर्रफ के दौर से बढ़ता चला जा रहा है। मुशर्रफ के दौर में जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई थी बाई 8%, उसके बाद से कभी भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो डिफरेंट एनालिस्ट हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने डिफरेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स इस तरह के देखे हैं कि वो उनके साथ कोप अप नहीं कर पाया और उसकी वजह से क्या है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, एंड दैट इज़ अनचेक्ड अनटिल नाउ। अभी तक जो है पाकिस्तान अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया और अभी तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की बढ़ती चली जा रही है। और जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिवेलप हो सकती थी, वो पाकिस्तान की वर्स्ट होती जा रही है। सो देखते हैं हम कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की जो टाइप्स हैं वो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जहाँ पे मोर डिमांड्स हो फॉर जॉब्स पर क्या हो लेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, ऑब्वियसली दिस इज़ अ केस फॉर पाकिस्तान। उसके बाद है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ट्रांजिशन फेज, जब एक इंसान एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांजिट करता है तो उसके दरमियान जो ट्रांजिशन फेज रहता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहता है, दैट वी कैन कॉल एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जैसे कि टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर रही है तो उसकी वजह से ह्यूमन लेबर कम हो रहा है और जो मशीन्स हैं वो इम्प्लॉय की जा रही हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इन रीसेंट केसेस हम देखते हैं कि चैट जीपीटी के आने से जो है डिफरेंट कंटेंट राइटर्स जो हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ा है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एट अ पर्टिकुलर पेस डिक्रीज़ हुई है, तो वो हमारे हम कंसिडर करते हैं एज ए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल जॉब्स जो होती हैं उनमें ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर सीजन्स के लिए रहती हैं, तो लोग जो लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं उनकी जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस हैं दोज आर ह्यूज, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, पर उनमें से कुछ बेसिक जो है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी इनमें से अगर आपको कुछ और भी आपको लगे कि रीजंस हमें लिखनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में और ख़ुद भी लाजमी लिखेगा। पहले सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न है दैट इज़
अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है जॉब्स की और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी जो है हमारे पास एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में, स्किल्ड एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट निगलिजिबल। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, दैट इज़ उसके बाद है जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं दैट आर ऑल रुइंड। लोकल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करती क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो चुकी है, इसकी वजह से वो क्या है जो लोकल इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वॉश ऑफ करते जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास फेडरल